नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो इशू है वो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकालता है, जिसमें कि वो इकोनॉमीज की कंट्रीज की रैंकिंग करता है एनर्जी ट्रांजिशन के बेसिस पे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या होता है, इसके जो रिजल्ट्स आए हैं, इसकी जो फाइंडिंग्स आई हैं हम उनका एनालिसिस करेंगे, जो रैंकिंग्स आई हैं उन पर चर्चा करेंगे। फिर जैसा कि हम अपने हर वीडियो में करने की कोशिश करते हैं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पर एक डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर भी एक चर्चा की जाएगी। अब अगर इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंस की बात करें तो प्री में ऑब्वियसली ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एनवायरमेंट में प्री में आते हैं। मेंस की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी रिपोर्ट है तो इसको ऑथेंटिक माना जाता है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स को अगर आप अपने आंसर में कोट करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपके आंसर की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। तो फिर आइए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 के लिए रिलीज किया है। ये इंडेक्स जो है इसने 115 इकोनॉमीज को, 115 कंट्रीज को रैंक किया है। इस रैंकिंग का आधार क्या है? इस रैंकिंग का आधार होता है दोस्तों उस कंट्री का जो एनर्जी सिस्टम है, जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज हैं उनके बेसिस पे जो है वो, एक तरह से सिंपल भाषा में बात की जाए तो ये रैंकिंग की जाती है। सबसे बड़ा इशू उसमें जो होता है वो सस्टेनेबिलिटी का होता है, एनर्जी सिक्योरिटी का होता है, और जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं ट्रांजिशन की बात की जाती है कि वो इकोनॉमी, वो कंट्री एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए कितना ज़्यादा तैयार है। ट्रांजिशन के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। तो अब आइए देखते हैं इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, इसके रिजल्ट्स इस बार क्या आए हैं। तो पिछले 3 साल से लगातार इस रैंकिंग में स्वीडन जो है वो टॉप पे बना हुआ है। स्वीडन के बाद इस बार स्विट्जरलैंड है, उसके बाद फिनलैंड की रैंकिंग आई हुई है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस 8वें स्थान पे है और यूनाइटेड किंगडम जो है वो 7वें स्थान पे है। ये दोनों, सिर्फ दो ही G20 कंट्रीज हैं जो कि टॉप 10 में इंक्लूड की गई हैं। फिर अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि 115 में मात्र 11 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने 2015 के बाद से स्टेडी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, मतलब कि एक फिक्स्ड इम्प्रूवमेंट उन्होंने किया ही किया है, मतलब इनका परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट रहा है, आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। अब अगर हम बात करें अपने पड़ोसी चाइना की, तो चाइना की रैंकिंग जो है वो इस बार 78th है। चाइना में पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते चाइना ने एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ढेर सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं। चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी बहुत इफ़ेक्टिव है। चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट और ऑनशोर विंड पावर प्लांट, ये सब लॉन्च किए हैं, तो इसकी वजह से चाइना की रैंकिंग में सुधार हो रहा है। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, इनकी जो, इनके जो स्कोर्स हैं वो या तो स्थिर रहे हैं या तो उनमें गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट आगे कहती है कि ये पहली बार है जबकि यूएसए की रैंकिंग जो है वो टॉप 25% में नहीं है। उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि इस समय जो यूएसए की गवर्नमेंट है, उसकी जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं, उसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो बहुत क्लियर नहीं है, तो इसके चलते यूएस की रैंकिंग में जो है वो गिरावट आई है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ इस बार की रिपोर्ट में ये सामने आई है कि 2020 की रिपोर्ट कहती है कि 75% कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर इम्प्रूवमेंट शो किया है। इसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है वो कई रीजंस भी बताए हैं। इसमें जो है वो कार्बन प्राइसिंग पर पॉलिसीज जो दुनिया भर में चल रही हैं उनको श्रेय दिया जाता है। कई देशों ने जो है वो कोल पावर प्लांट जो थे वो, उनका शेड्यूल था रिटायरमेंट का, उसके पहले उनको रिटायरमेंट दे दिया, मतलब उसके पहले उनको बंद कर दिया, तो उसकी वजह से वहाँ पे एमिशंस में कंट्रोल हो गया, इस तरह की चीज़ें। उसके साथ साथ जो उनका इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है उसमें जो है वो उन्होंने नए नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, तो इन सब को मिला के जो है वो उसका रिजल्ट ये रहा कि जो इस बार का रिजल्ट आया है, जो इस बार की रैंकिंग आई है उसमें काफ़ी सुधार आया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 75% कंट्रीज जो हैं उन्होंने जो है वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर इम्प्रूवमेंट शो किया है। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि इस रिपोर्ट का जो, इस इंडेक्स का जो मेन टॉपिक होता है एनर्जी ट्रांजिशन,
तो रिपोर्ट ने कहा है कि 115 में से 94 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने 2015 के बाद से एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं और वो कदम इफेक्टिव भी रहे हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि ये जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस इस इंडेक्स में शो की गई है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज द्वारा की गई है। जो इकोनॉमीज अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं वो एनवायरनमेंट को लेकर ज़्यादा सतर्क हैं, उनकी पॉलिसीज जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हैं, उनके रेगुलेटरी मैकेनिज्म ज़्यादा क्लियर हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पिछले साल की जो रैंक थी वो 76 थी, इस बार की इंडिया की जो रैंक है वो 74 है, मतलब कि इंडिया ने दो रैंकों का इम्प्रूवमेंट इस बार शो किया है। ये जो इंडेक्स होता है इसमें तीन डायमेंशंस पर रैंकिंग की जाती है, एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एक होता है एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी, और एक होता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया ने इन तीनों डायमेंशंस पे इम्प्रूवमेंट किया है। इस प्रोग्रेस के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को श्रेय दिया है। इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, एक स्कीम आई थी जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है कि 2027 तक जो है वो 275 गीगावाट्स का जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारे यहाँ है उसका एक्सपेंशन जो है वो 275 गीगावाट्स तक कर दिया जाएगा 2027 तक। तो इसका जो है इसको बहुत बड़ा श्रेय दिया जा रहा है इंडिया की रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए। इन सब के साथ ही साथ भारत सरकार की जो एनर्जी एफिशिएंसी पर जो पॉलिसी है उस पे जो बड़े कदम भारत सरकार ने उठाए हैं उनको भी श्रेय दिया गया है इस रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट का। इनमें जो है वो सबसे पहले नाम आता है एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम को, आप लोगों ने नाम सुना होगा उजाला स्कीम एक आई थी, तो उजाला स्कीम जो है वो उसमें ये किया गया कि एलईडी बल्ब जो है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और 2019 के बजट में सरकार ने एक एस्टिमेट दिया था जिसमें उसने कहा था कि लगभग 18,342 करोड़ रुपए जो है वो एनुअली उजाला स्कीम की वजह से बचाए जा रहे हैं। इसके बाद स्मार्ट मीटर्स का प्रोविजन किया गया, उसके बाद जो है वो अप्लायंसेस की एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से लेबलिंग शुरू की गई। तो ये सारी पॉलिसीज का भी जो है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मिला जुला के इफेक्ट आया कि रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है। साथ ही साथ भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको नीचे ले आए ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ पब्लिक के बीच में ज़्यादा हो सके, लोग उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकें। अभी समस्या ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है उसमें वो कोशिश कर रही है कि इनको सब्सिडाइज करके किसी तरह इनका रेट जो है वो कम किया जाए ताकि लोगों के बीच में ये पॉपुलर हो सकें। इस पूरे ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए फोरम ने जो है वो भारत की जो गवर्नमेंट है उसका जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है उसकी सराहना की है। उसने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो सही में कदम उठा रही है एनर्जी एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए और एनर्जी ट्रांजिशन को अचीव करने के लिए। अब अगर हम भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो मार्च 2019 के एंड में ये जो है वो 79.8 गीगावाट्स की थी। इसमें से जो है वो 26.7 गीगाहर्ट्स जो है वो गीगावाट जो है वो सोलर कंट्रीब्यूशन, मतलब यूटिलिटी स्केल का जो सोलर कंट्रीब्यूशन था वो था, और 3.9 गीगावाट जो है वो रूफटॉप सोलर सिस्टम जो थे उनसे दिया गया था। साथ ही साथ हाल ही के दिनों में ये प्रोग्रेस इतनी अच्छी हो गई थी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया जो है वो 144 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल कर लेगा। और उसने ये भी कहा था कि ये जो 2027 का लक्ष्य रखा गया है उसको 2027 के पहले ही हासिल कर लिया जाएगा अगर इसी स्पीड से इंडिया बढ़ता रहा। अब लेकिन समस्या क्या हो गई इस समय जो है वो दोस्तों, जितनी भी समस्याएं हैं सबको आप जो है वो कोरोना वायरस क्राइसिस से जोड़ के देख सकते हैं। तो ये जो है वो इसमें भी यही समस्या सामने आई कि कोरोना वायरस जो है वो शुरू हो गया, क्राइसिस शुरू हो गया, तो जितने प्रोजेक्ट्स थे वो सारे स्टॉल हो गए, जितनी एनर्जी डिमांड्स थी वो जो है वो रुक गई, फिर प्राइस वॉलीटिलिटी आ गई, ये सारी चीज़ें जो है वो कोरोना वायरस की वजह से हो गई। तो ये जो हमारी प्रोग्रेस थी वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई है। तो अब जो है वो हो रहा है कि 2027 तक ये लक्ष्य हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अभी कोरोना वायरस क्राइसिस के पहले जैसा कि मैंने आपको बताया सिचुएशन ये थी कि हमारा जो पोजीशन चल रही थी हम 2027 के पहले ही 275 गीगावाट्स वाला लक्ष्य अपना हासिल करने के लिए तैयार थे। तो अब जब हमने भारत के बारे में चर्चा कर ली, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर ली, तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो होता क्या है। मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं
तो अब जैसे मान लीजिए कि कंट्रीज जो हैं वो इस समय ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो फॉसिल बेस्ड सिस्टम जो है वो यूज़ करती हैं, जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, ये आप सभी जानते हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है कि कितनी जल्दी कितनी आसानी से वो कंट्रीज ये फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स को छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगी, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस तरह की चीज़ों की तरफ चली जाएंगी। तो सिंपल भाषा में एनर्जी ट्रांजिशन यही है कि फॉसिल बेस्ड सिस्टम से कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम पर हम लोग स्विच कर जाएं। इसके लिए कहा जाता है कि जो ओवरऑल एनर्जी सप्लाई होती है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को डालना, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनर्जी ट्रांजिशन होने के लिए। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है, एनर्जी स्टोरेज की जो टेक्निक्स हैं उनका इम्प्रूवमेंट, उनमें इम्प्रूवमेंट होगा तो इससे जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन बहुत आसानी से हो पाएगा। अब एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में हमने चर्चा कर ली है तो हम देखते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या होता है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव का एक पार्ट है, जिसको इससे पहले एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स के नाम से जाना जाता था। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एनुअली जो है वो निकाला जाता है और ये कंट्रीज की रैंकिंग करता है। और कहा जाता है कि इसके पीछे का जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि कंट्रीज को, देशों को एक राह दिखाई जा सके कि किस तरह से वो एनर्जी ट्रांजिशन हासिल कर सकते हैं। इसके बाद ये अगर आप पिक्चर देखें तो हमने जो है वो पहले ही चर्चा कर ली थी, ये सिस्टम मतलब सिस्टम परफॉर्मेंस इंपेरेटिव्स वगैरह। ये आप इसको पिक्चर देख के आप एक आपको ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो होता क्या है। अब हम बात करें इसके बारे में और डिटेल में, तो इस तरह की रैंकिंग जो है दोस्तों वो क्या करती है कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनके सामने एक तरह से एक गोल स्टैब्लिश करती है कि उनको जो है वो कैसे परफॉर्म करना है। इंडेक्सेस का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो ये होता है कि एक तरह की कंपटीशन की भावना आ जाती है कि कंट्रीज के बीच में, कि हमको पिछले साल से अच्छा परफॉर्म करना है। एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि ये जो है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, हमको इससे ऊपर होना है, हम भी इससे नीचे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो आ जाती हैं। तो ऑब्वियसली जो है वो एक तरह का मोटिवेशन होता है, एक गोल मिलता है। प्लस जो कंट्रीज सबसे आगे रहती हैं, जैसे स्वीडन जो है वो पिछले 3 साल से टॉप पे है, तो इस तरह की कंट्रीज को देख के जो है वो उन्होंने जो पाथ फॉलो किया है एक जो है वो मैप बन जाता है कि हमको भी यही पाथ फॉलो करना है और उससे हम एनर्जी ट्रांजिशन को हासिल कर सकते हैं। अब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में हमारी चर्चा यहीं पर खत्म हो गई। अब हम थोड़ी सी जो है वो बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, जो कि इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। तो ये जो है वो स्विट्जरलैंड की एक जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1971 में जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनीवा में है, स्विट्जरलैंड में है। जो स्विस अथॉरिटीज़ हैं वो इसको पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मानती हैं। अब अगर हम इसके मिशन के बारे में बात करें तो एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं कि कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय एंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल एंड रीजनल एंड इंडस्ट्रियल एजेंडाज। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दुनिया भर के लीडर्स को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों, उनको एक साथ लाना और जो रीजनल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इंडस्ट्रियल इश्यूज हैं, उन पे चर्चा करना और उन पे जो है वो समस्याओं का हल निकालना जो है वो इसका मिशन है। अब इस रिपोर्ट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो सिर्फ यही रिपोर्ट निकालता है, इसके अलावा भी जो है वो आप लिस्ट देखेंगे लास्ट स्लाइड में, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट भी निकालता है। तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो मेजर रिपोर्ट्स हैं जो कि WEF द्वारा निकाली जाती हैं। तो दोस्तों एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और WEF में पढ़ने के लिए, समझने के लिए इतना ही है। अब अगले टॉपिक पे आपसे फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।